हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर वैल्यू। माय नेम इज अकीदत फातिमा। टुडे माय टॉपिक इज कीवर्ड एंड सम ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। कीवर्ड, अ कीवर्ड आर ए फोकस वर्ड एज सम कॉल इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर पेज और पोस्ट पेज। इट्स द सर्च term that you want to rank for with a certain page. So when people search for that keyword in a Google or other search engine, they should find the page on your website. SEO में keyword बहुत ही अहम role अदा करते हैं। Keyword words होते हैं जो कई बार एक word भी हो सकता है या एक से ज़्यादा words भी हो सकते हैं। Keyword जो होते हैं वो describe करते हैं कि आपका content किस तरह का है और किस web page और कि वेब पेज में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह की है। ये कुछ एग्जांपल हैं कीवर्ड्स की। ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर में टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और एचटी। द ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर में टाइटल टैग होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन H1 टैग है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एसईओ रैंकिंग फैक्टर है, आज इन्हीं को ही देखते हैं। टाइटल टैग क्या होता है? अ टाइटल टैग इज एन एचटीएमएल एलिमेंट दैट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ योर वेब पेज। A page title tag is displayed as a part of the search snippet in a search engine result page. It appears as the clickable headline for the search result and it's important for user experience, SEO and social sharing. The title tag of a web page is meant to be an accurate and concise description of a पेज कॉन्टेंट। टाइटल टैग जो होता है हमारे क्रॉलर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे यूजर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल टैग में क्रॉलर और यूजर दोनों को सेटिस्फाइड करते हैं ताकि ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट पे आए। आपके टाइटल टैग में अगर में नंबर होते हैं तो ये भी यूजर को कन्वेंस करने में बड़ी मदद देते हैं। डेट भी इंपॉर्टेंट होती है टाइटल टैग के लिए और इसकी लेंथ जो होती है टाइटल टैग की वो 50 to 60 करेक्टर होनी चाहिए। आगे टाइटल टैग की एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास, यानी कि टाइटल टैग जो है वो HTML एलिमेंट भी इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और वेब पेज पे ऊपर शो रहा है यानी कि ये उसका टाइटल का नाम लिखा है और ये इसके अंदर जो हाइलाइटेड है वो HTML लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखते हैं। बाकी जो है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन इज अ शॉर्ट स्नैपेट और डिस्क्रिप्शन टैग इन अ HTML दैट समराइज अ वेब पेज कॉन्टेंट ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। The meta description appear under the page title and URL. Meta description जब भी हम कुछ भी टाइप करते हैं गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर तो जो भी रिजल्ट आते हैं उनमें से URL और टाइटल के पास जो भी डिस्क्रिप्शन होती है एक पर्टिकुलरली वेब पेज की उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि वेब पेज क्या चीज़ है। अगर आपकी वेबसाइट या वेब पेज पर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड ना हो तो गूगल जो है आपके पेज पे जो भी कंटेंट है उसमें से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेगा और उसे मेटा डिस्क्रिप्शन बना देगा। आगे उसकी ये एग्जांपल है गिवन, यानी कि ऊपर क्या है टाइटल टैग दिया हुआ है, नीचे URL है और ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ये क्या है मेटा डिस्क्रिप्शन। आगे है H1 टैग। तो H1 इज एन HTML टैग दैट इंडिकेट अ टाइटल ऑन द वेबसाइट। HTML has a 6 different title tags, यानी कि H1, H2, आके इसके अलावा H3 होगा, 4, 5 और 6 तक H6 तक होगा। The H1 is the considered as the most important title and the H6 is the least important, ठीक है, यानी कि H1 क्या है सबसे बड़ा टैग्स होता है, सबसे बड़ी हेडिंग्स होती है और H6 जो है सबसे छोटी, यानी कि आगे आपके पास से गिवन है जैसे कि How to do SEO for blogging, ये क्या है H1 टैग, यानी कि इसकी जो है ये सबसे बड़ा टैग है। आगे इससे नीचे जितनी भी आती जाएगी वो हेडिंग जो है वो स्मॉल होती जाएगी, ठीक है। थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।